Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do Human Resources from Resource and Development Book, Grade 8, CBSE. People are a nation's greatest resource. अगर देखा जाए तो लोग ही दुनिया के सबसे important या बड़े resource माने गए हैं. Nature's bounty becomes significant only when people found it useful. Nature में ये जो इतनी ज़्यादा चीज़ें available हैं वो तभी काम की है अगर लोगों को उनकी लगता है कि जरूरत है. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. ये लोग ही हैं जिनकी डिमांड और एबिलिटीज की वजह से वो सब चीजें रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गई हैं. Hence, human resource is the ultimate resource. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि human resource ही जो है वो मेन रिसोर्स है. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. जो लोग हेल्दी हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनमें कुछ करने की काबिलियत है, दूसरों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोग ही रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं उनकी जरूरत के अनुसार. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं और अदर जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनके जैसे पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स. अब यहाँ उनमें किस चीज में डिफरेंस आता है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लेवल में, उनकी उम्र में, यहाँ तक कि उनकी जेंडर्स में. देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग. उनकी नंबर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो भी लगातार बदलते रहते हैं.